तारीख 6 दिसंबर 1992, अयोध्या में कार सेवकों का हुजूम विवादित ढांचे पर चढ़ चुका था। मंच पर बड़े बड़े नेता कार सेवकों से धैर्य रखने की अपील कर रहे थे। इन्हीं कार सेवकों में विश्व हिंदू परिषद का एक क्षेत्रीय मंत्री भी मौजूद था। पत्रकार के सवाल पर उसने कहा, ये भगवान राम की वानर सेना है, सीटी की आवाज पर पीटी करने नहीं आई है, ये जो भी करने आई है करके ही जाएगी। थोड़ी देर बाद विवादित ढांचा जमींदोज हो गया। कार सेवकों को वानर सेना बताने वाले कोई और नहीं बल्कि चंपत राय थे, जिन्होंने राजकाज के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले चंपत राय ने शादी नहीं की। यही वजह है कि जब राम मंदिर का निर्माण हुआ तो चंपत राय को मंदिर के ट्रस्ट का महासचिव बनाया गया। दरअसल चंपत राय यूं ही नहीं राम मंदिर आंदोलन से जुड़े। रामकाज के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी तक छोड़ दी। इतना ही नहीं, उन्होंने शादी तक नहीं की। दरअसल रामकाज से जुड़ने की बड़ी वजह उनके पिता रहे। बिजनौर के नगीना कस्बे के सराय मीर मोहल्ले के रहने वाले चंपत राय के पिता रामेश्वर प्रसाद बंसल आरएसएस से जुड़े हुए थे। चंपत अपने पिता से बेहद प्रभावित थे। यही वजह है कि वो जल्द ही संघ में शामिल हो गए। संघ का काम करते करते चंपत राय पढ़ाई पर फोकस करने लगे। पढ़ाई पूरी करने के बाद चंपत राय धामपुर के आरएसएम डिग्री कॉलेज में केमिस्ट्री के प्रोफेसर बन गए। बाद 1975 की है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश पर इमरजेंसी थोप दी और विपक्षी नेताओं को जेल में बंद करना शुरू कर दिया। चंपत राय भी इंदिरा गांधी के निशाने पर थे। एक दिन चंपत राय डिग्री कॉलेज में छात्रों को पढ़ा रहे थे। पुलिस की एक टीम चंपत राय को गिरफ्तार करने कॉलेज पहुंच गई। पुलिस ने बताया कि वो उन्हें गिरफ्तार करने आए हैं, तो उस पर चंपत राय ने कहा, मैं अभी छात्रों को पढ़ा रहा हूं, आप वापस जाइए, मैं अपनी क्लास खत्म करके खुद थाने आ जाऊंगा। पुलिस वाले से अपनी बात कहने के बाद चंपत राय वापस क्लास पर लौट गए और छात्रों को पढ़ाने के बाद चंपत राय अपने वादे के मुताबिक पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां उन्हें गिरफ्तार कर जेल में ठूस दिया गया। 18 महीने जेल में बंद रहने के बाद जब चंपत राय बाहर निकले तो उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने के बाद वो संघ के प्रचारक बन गए। संघ ने उन्हें राम मंदिर की जिम्मेदारी सौंपी। रामलला का काम मिलने के बाद चंपत राय ने राम मंदिर आंदोलन के लिए युवाओं की फौज खड़ी करनी शुरू कर दी। अवध के गांव-गांव जाकर जल्द ही चंपत राय ने युवाओं की एक बड़ी फौज खड़ी कर ली। इसके साथ ही चंपत राय ने अयोध्या राम मंदिर से जुड़े सबूतों को जुटाना शुरू कर दिया और इस तरह उनके घर में राम मंदिर से जुड़ी जानकारियों का खजाना जमा हो गया। जब कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तब यही खजाना राम मंदिर के वकीलों के लिए काम आया। देखा जाए तो रामलला के लिए चंपत राय ने अपना पूरा जीवन खपा दिया।